वेलकम टू मिनट साइंस, एक वीडियो सीरीज़ जिसमें मैं आपको एक छोटे से साइंस क्वेश्चन का आंसर देता हूं एक या दो मिनट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हवा कहां से आती है या फिर हवा क्यों चलती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये हवा का चलना क्या होता है। तो हवा का चलना बेसिकली बहुत सिंपल सा होता है। इसका मतलब होता है कि एयर के पार्टिकल, हवा के पार्टिकल मूवमेंट करें एक ग्रुप में, और इसी को हम हवा का चलना कहते हैं। अर्थ पे हवा के चलने के पीछे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साइंस है जो सन से रिलेटेड है। हवा जब चलती है उसका मेन रीज़न होता है सन। तो होता क्या है, दिन के समय जब सन रेस अर्थ पे आती हैं तब ग्राउंड यानी जमीन वाला हिस्सा हमारी अर्थ का गर्म हो जाता है, और नदियाँ और समुद्र इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते क्योंकि उनमें पानी होता है। और वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितना टेम्परेचर देने पे गर्म होती है या फिर कितना टेम्परेचर देने पे ठंडी होती है। तो वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा हीट लगती है उसे गर्म या फिर ठंडा करने में। तो दिन के समय जब सन रेज अर्थ पे आती हैं तो ग्राउंड गर्म हो जाता है और समुद्र इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। तो जो एयर के पार्टिकल्स जमीन के ऊपर होते हैं वो एयर पार्टिकल्स गर्म होके ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और वो एयर पार्टिकल्स जो नदियों के किनारे होते हैं और समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्र में वो एयर पार्टिकल्स ग्राउंड पे आ जाते हैं, उन एयर पार्टिकल्स की जगह ले लेते हैं, और इस फिनोमेना को हम सी ब्रीज कहते हैं। लेकिन रात के समय समुद्र और नदियों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड। ग्राउंड का टेम्परेचर कम होता है रात के समय, और ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें टेम्परेचर भी मुश्किल से बढ़ेगा और कम भी मुश्किल से ही होगा। इसीलिए ग्राउंड का टेम्परेचर जल्दी नीचे गिर जाता है और सी का या फिर रिवर का टेम्परेचर इतना जल्दी नीचे नहीं गिरता, जिससे वो गर्म होते हैं रात के समय। तो रात के समय जो एयर पार्टिकल्स रिवर के ऊपर और सी के ऊपर होते हैं वो एयर पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं और वो ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और वो एयर पार्टिकल्स जो लैंड के ऊपर होते हैं, जो ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, वो एयर पार्टिकल्स उन एयर पार्टिकल्स की जगह ले लेते हैं जो समुद्र या फिर नदियों के ऊपर थे, और इस फिनोमेनन को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। और इसी चीज़ के कारण हवा चलती है। इससे होता क्या है, एटमॉस्फेयर में अलग अलग एयर प्रेशर बनता है, और उसी एयर प्रेशर के कारण एयर पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एक ग्रुप में, और हवा चलने का मतलब यही होता है, मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स इन अ ग्रुप। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द लॉजिकल टॉक की दूसरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप ऊपर वाली या फिर नीचे वाली वीडियो को देख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।